चैप्टर नंबर सेवन का क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है उसके अनुसार देखते हैं क्या है। तो हमारे पास यहां पर दे रखा है दो क्वेश्चन यहां पर पुटअप किए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास में है कि एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, यानी जो एसी सोर्स यहां पर सर्किट में लगा हुआ है उसका मैक्सिमम मान यहां पर दिया हुआ है। जो अभी आपको बताया कि आपके पास मैक्सिमम मान जब वो देगा तो वहां पर लिख कर देगा कि आपके ये मैक्सिमम मान है। अगर मैक्सिमम मान लिख कर नहीं देता है तो वह उसका वर्ग माध्य मूल मान होता है, क्योंकि एसी सोर्स से जो भी वोल्टेज हमें प्राप्त होती है वो उसका आरएमएस मान ही मिलता है। तो हमारे पास में यहां पर शिखर मान दे रखा है जिसको मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। तो हमारे पास में वोल्टेज का शिखर मान है, तो हमारे पास वोल्टता का शिखर मान ये दिया गया है वी एम से। इसको मैं दर्शा देता हूं, या कई बुक में इसको वी नोट से भी डिनोट किया जाता है, आप यहां पर यूज कर सकते हैं। हमारे पास में है 300 वोल्ट और हमें इस वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा गया है, तो हमें यहां पर वोल्टता का आर एम एस मान यानी वर्ग माध्य मूल मान पूछा गया है, यानी वी आर एम एस मान पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो बी है उसके अनुसार हमारे पास में एसी परिपथ में धारा का आर एम एस मान दिया गया है। इसमें शिखर मान दिया गया है, आर एम एस मान पूछा गया है, इसमें धारा का आर एम एस मान दिया गया है और शिखर मान पूछा गया है, और वर्ग माध्य मूल मान और मैक्सिमम मान में जो रिलेशन होता है वो हम जानते ही हैं। तो सेकंड में हमारे पास में धारा का आरएमएस मान दिया गया है, धारा का आरएमएस मान दिया गया है, तो मैं इसको आई आरएमएस से दर्शा लेता हूं, जो 10 एम्पियर है। और ज्ञात हमें करना है धारा का शिखर मान, दोनों एक ही तरीके से हल होंगे, इसका मतलब हमें आई एम का मान पूछा गया है, या फिर बी क्वेश्चन। तो ए हम हल कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर एम एस मान जो होता है वो 1/√2 गुना होता है मैक्सिमम मान का, या हम ये कहें कि 70.7% मान होता है मैक्सिमम का आर एम एस मान। तो हमारे पास में 1/√2 को अगर हम हल करते हैं तो हमने हल किया है 0.707 इसका हल होता है, और यहां पर वीएम का मान 300 यहां पर दिया गया है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, फिर आपके पास में आ जाएगा 21, तो 21 टू बार रिपीट होगा, 00 आपकी यहां पर आ जाती है, और हमारे पास 3 डिजिट के बाद में दशमलव है, तो ये दशमलव आ जाएगा यहां पर, तो फाइनली वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 212.1 वोल्ट, यानी ये इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा जब हमें शिखर मान 300 दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड अब हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं, आई आर एम एस मान जो होता है वही √2 आ गया, और यहां पर आ जाएगा आई एम पूछा गया, तो ये √2 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में देखो आई एम बराबर, इसे आप स्मॉल आई एम से भी दर्शा सकते हैं, हमारे पास में आ जाता है √2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास में आई आर एम एस मान आएगा, और आई आर एम एस मान इसका दे रखा है 10 एम्पियर। तो नेक्स्ट हल करते हैं, तो हमारे पास में मैक्सिमम जो करंट आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा, √2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1.414 आ जाता है, और आई आर एम एस हमें 10 दे रखे, तो 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 14.14 एम्पियर, और ये इसकी मैक्सिमम करंट आ जाएगी जब आपके वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपके कंप्लीट हो जाता है, यानी चैप्टर नंबर 7 के 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, और कंप्लीट अगर हो रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों ने दोस्तों को आप जरूर सेंड कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 100% आने वाला है, ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। नोट कर लिया आप इसको,